ईमान का अमाल से ताल्लुक नहीं है हो सकता है कि कोई मोमिन हो लेकिन गुनागार हो और हो सकता है कि कोई जाहिदो पारसा हो लेकिन ईमान से दिल उसका खाली हो और तुम्हारा तुम्हारी कसौटी क्या है अगर तुम किसी को गुना करते हुए देख लो तो कहोगे ये कैसे जाकिर भी हो सकता ये तो गुना कर रहा है बिल्कुल उल्टा गेम सिखाया है तुमको मौलवियों ने बिल्कुल अल्लाह की पॉलिसी के उलट नज़मुल आलम कुरान के हवाले देकर कहते हैं कि आठ जन्नतें हैं ऐसा क्यों है हम भी तो आठ ही जन्नतों को कहते हैं सात तो प्रॉपर जन्नत हैं एक अलग से बनाई गई है औरतों के लिए तो आठ हो गई सात तो प्रॉपर है ना एक औरतों के लिए है अमेरिका में वर्जीनिया की बात है एक औरत बड़ी तपी हुई थी वो खड़ी हो गई सरकार की गुफ्तु जब खत्म हुई कहने लगी कि सरकार मुझे आप ये बताएं कि मरने के बाद भी क्या हम अगर जन्नत में गए तो शोहर के साथ ही जाना पड़ेगा अलग नहीं जा सकते हम क्या तो सरकार ने कहा कि अभी भी, भी बैठ जाओ आराम से अल्लाह ताला ने एक अलग से जन्नत औरतों के लिए बनाई है तुम्हारी शोहर से अगर ना बने तो तुम वहां चले जाना <laughs> एक जन्नत औरतों के लिए अलग बनाई अच्छा ये तो उस वक्त की बात होगी ना जब आप जन्नत ही होंगे तुम्हें अभी से फिक्र है कि हम मर्दों की जन्नत में नहीं जाएंगे अरे यार पहले तुम क्वालिफाई तो करो जन्नत के लिए उसके बाद फैसला होगा और असल हकीकत तो मेरे भाई ये है क्या मर्द और क्या औरत जन्नत में वही जाएंगे जिनको अल्लाह चाहेगा ये सारे अमल शमल इधर ही रह जाएंगे आप यकीन करें हालांकि एक कवाली बड़ी मशहूर हुई है कि ऐला नल होने ने नबेड़े किसे न तेरी जात पूछनी लेकिन ये बकवास है अमलों से थोड़ी बात बनती है अल्लाह की मर्जी चलती है जिसको अल्लाह चाहे उसको माफ कर जाओ जन्नत अब अल्लाह ने कह दिया जाओ तो कौन रोकेगा इसलिए वो कहता है मालिक योम दीन योम मैशर का मालिक हूं मैं मेरी जन्नतें हैं जिसको चाहूं मैं भेजूं ऐसा नहीं है कि तुमने अपने अमाल के जरिए जन्नत को खरीद लिया है दो सजदे मारे हैं दुनिया में दिल का ख्याल तेरा दिल खिलावे मुंडे कुड़िया सजदे करे मसीती, थी रब दे नाल वी चार सो वीतू की थी तो वो अल्लाह के साथ भी फ्रॉड करता है अल्लाह की मर्जी वो चाहे तो गुनागार को भेज दे जन्नत में और परहेजगार को कहे जहन्नमेगा वो अल्लाह का दस्तूर भी यही रहा है सलाम एक बंदे की बड़ी अल्लाह से सिफारिश करते कि अल्लाह वो बड़ा अच्छा बंदा है आप उसको जन्नत में डालना जब वो मरे तो अल्लाह ने कहा कि नहीं यार वो जिसके तू तारीफ़ें करता है ना वो जहनमी है तुझे जन्नती बंदा देखना है तो मैं भेजता हूँ तुझे एक बंदे के पास वो जन्नती अब मूसल उसको देखने के लिए गए तो वो एक नंबर का फ्रॉड धोखेबाज़ गुनागार अपनी हरकत और सकनात से लगता था या तो इंडियन है या पाकिस्तानी <laughs> अब सलाम बड़े परेशान हुए कि यार ये तो इतना गुनागार है और अल्लाह इसकी फेवर कर रहा है इसको कह रहा है कि ये जन्नती है और जिसको मैंने कहा है कि जन्नत में भेजो वो तो इतना इबादत गुजार और इतना जो है वो परहेजगार है तो उनके जहन में ये बात बैठ गई उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये क्या माना कि जो इबादत गुजार है परहेजगार है उसको तुम कह रहे हो जहन्नमी है और जिसके पास मुझे भेजा वो तो इंतहा सख्त गुनागार है उसको कह रहे हो ये जन्नत में जाए तो अल्लाह ने कहा जो इबादत गुजार है परहेजगार है ना उसके दिल में ईमान नहीं है मेरे ऊपर और जो गुनाहगार है उसके दिल में ईमान है मेरे ऊपर <laughs> अब मूसा इस्लाम और परेशान हुए कहने लगे कि भाई वो कैसे तो अल्लाह तला ने कहा कि तुम ऐसा करो तुम जाओ दोनों के पास और दोनों से जाके पूछो कि भाई मैंने सुई के नाके में से ऊंट गुजरते हुए देखा है तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मूसा सलाम सबसे पहले वो इबादत गुजार के पास गए क्योंकि उनको तो पता था ये इबादत गुजार है ये तो फौरन जवाब देगा सही वो गया मूसा सलाम उसके पास गए पूछा कि हां भाई मैंने जो है सुई के नाके में से ऊंट गुजरता हुआ देखा है तो मैं तो मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता था कैसी अहमखाना बातें कर रहे हो तुम ऐसा कैसे हो सकता है बिल्कुल पैदल हो गए हो तुम तो सलाम बड़े परेशान यार फिर गुनागार के पास गए हाँ या भाई यार एक वाकया हुआ है हाँ जी वो क्या मैंने सुई के नाके में से ऊंट गुजरते हुए देखा है ना का समझते ना सुराख को बोलते हैं सुई के नाके में से ऊंट को गुजरता हुआ देखा तो वो कहने ये कौन सी बड़ी बात है अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है तब मूसा को पता चला कि गुनाहों का मतलब ये नहीं होता कि इस बंदे का दिल ईमान से खाली है और आमाल अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि दिल में ईमान भी होगा ईमान का अमाल से ताल्लुक नहीं है हो सकता है कि कोई मोमिन हो लेकिन गुनागार हो और हो सकता है कि कोई जाहिदो पारसा हो लेकिन ईमान से दिल उसका खाली हो और तुम्हारा तुम्हारी कसौटी क्या है अगर तुम किसी को गुनाह करते हुए देख लो तो कहोगे ये कैसे जाकिल भी हो सकता है ये तो गुनाह कर रहा है बिल्कुल उल्टा गेम सिखाया है तुमको मौलवियों ने बिल्कुल अल्लाह की पॉलिसी के उलट तो मेरे भाई और मेरी बहनों जन्नत में कौन जाएगा ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है Allah मालिक है जिसको वो चाहेगा जिसको अल्लाह चाहेगा वो जन्नत में जाएगा बल्कि एक हदीज शरीफ में भी आया सहाबा के राम ने पूछा कि यारसोल्ला योम महर में बख्शिश कैसे होगी अमाल की बुनियाद पर तो अल्लाह के रसुल ने इशाद फरमाया कि नहीं योम महर में बख्शिश अमाल की बुनियाद पर नहीं होगी बल्कि अल्लाह के फजल से होगी तो सहाबा ने पूछा यार्ला आपके साथ क्या मामला करेगा अल्लाह हालांकि बड़ा ही बेतुका और बेहुदा सवाल है लेकिन हुजूर ने जवाब दिया हुजूर ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह के फजल से बख्शा जाऊंगा मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है इस तरह के अल्फाज ज़बान से बयान करना लेकिन लिखे हुए हैं बता दिए हैं ताकि आपको समझा दू मैं तो सारा का सारा जो है दारो मदार आपकी बख्शिश का अल्लाह के फजल पर है अल्लाह की मर्जी पर है मोहम्मद बख्श साहब ने भी कहा है जे में देखा अमला वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले और जे में वेखा तेरी रहमत वल ते बल्ले 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 अमाल से नहीं अल्लाह के फजल से एक दफा ऐसी बात सरकार ने कही जो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी ना मुझे तो सुनी मैंने तो शुरू में तो बड़ा शेट गया मैं लेकिन ये बात है ऐसी कि सुनने के बाद भी समझ में नहीं आती और जिसकी समझ में आ जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है है तो बड़ी आसान सी लेकिन आप लोगों के किरदार में नहीं है वो मेरे किरदार में आ गई है मेरे किरदार में ये बात आ गई है और जब से ये बात मेरे किरदार में आई है लोगों ने मुझे भी मुनाफिक और काफिर समझना शुरू कर दिया अब वो बात क्या है सरकार ने एक दिन ये कहा कि ये जो शराब पीते हैं जुआ खेलते हैं गुनाह करते हैं ये नकली शैतान है, ये क्या है? नकली शैतान है मैंने कर, सरकार ये इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं ये नकली शैतान है फरमा हाँ ये नकली शैतान है इनकी खलासी हो सकती है <laughs> पूछा कि फिर असली शैतान कौन है फरमाया वो जो नमाजें भी पढ़ते हैं वलियों से बुक्स भी रखते हैं जो इबादतें भी करते हैं लोगों पर बहुतान भी लगाते हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं हसद भी करते हैं बुक्स और इनाज भी रखते हैं क्योंकि ये जो बातनी बीमारियां हैं इनका बातिन का फार्मूला है इनमें बातिन का फार्मूला क्या है फार्मूला क्या है फार्मूला यह है शैतान होने का कि इबादत भी करेगा और हसद भी करेगा दोनों इकट्ठा करेगा अगर सिर्फ एक चीज करे तो फिर इब्लीस नहीं है दोनों चीजें मिला के करेगा तो शैतान इब्लीस की नस्ल से होगा इबादत भी करे और हसद भी करे याद करो इबलीस ने चप्पे चप्पे पर उसको सजदा किया उससे बड़ा कोई आबिद नहीं था लेकिन उसने तकबर भी किया आदम अलैहिस्सलाम से हसद और बोस भी रखा अब जब तुम देखो कि कोई नमाजी भी पढ़ रहा है बातनी तालीम नहीं है नमाजें भी पढ़ रहा है अगर बातनी तालीम होकर नमाज पढ़ रहा है तो या तो मोमिन होगा या वली होगा और बगैर बातनी इल्म के नमाजें पढ़ रहा है तो बहुत ही बड़ा शैतान होगा बहुत ही बड़ा हासिद होगा बहुत ही मतकबर होगा बातनी इल्म के साथ नमाज पढ़ रहा है तो कम से कम मोमिन होगा वली होगा फकीर होगा और बगैर जिक्र कल के नमाज पढ़ रहा है बहुत ही बड़ा दज्जाल होगा बहुत ही बड़ा हसद होगा नमाजे भी पढ़े कुरान भी पढ़े तिलावत भी करे उसके साथ साथ लोगों से हसद भी रखे खास तौर पर वलियों से हसद रखे अल्लाह वालों से हसद रखे उनसे बुक्स इनाद और अदावत रखे अहल बैत से बुग्ज रखे तो जब से ये बात मेरे उसमें आई किरदार में तो मेरा क्या हुआ मैंने हमेशा गुनागार शराबी कबाबी बेकार किस्म के लोग इन लोगों के लिए दिल को खुला रखा कि ये छोटे छोटे गुनाह हैं इनको सोबत में बिठाऊंगा सही हो जाएंगे इनकी खैर है इनसे नफरत नहीं की कोई शराब पी के आया चोरी चकारी करके आया डाका डाल के आया इनसे नफरत नहीं की मुझे पता चल गया कि ये नकली शैतान है ये नकली शैतान क्या है उस शैतान की नकल लतीफा नफ्स में ये बुराई है ना वो जब इनके ना उसमें नूर डालेंगे तो ये बुराइयां चले जाएंगी ना लेकिन जिनको मैंने देखा कि नमाज भी पढ़ते हैं वलियों को नबीब को बुरा भी कहते हैं उनसे मैं दूर भागा और लोगों को ये लगा कि देखो ये ये यूनुस जो है इसकी हरकतें देखो जो नमाजी परहेजगार मुसले पे बैठे होते हैं ये उन लोगों से दूर भागता है जो चोरी चकारी करते हैं शराबी कबाबी हैं कसीनो जाते हैं जुआ खेलते हैं उनके लिए इसका दिल बड़ा नरम है तो लोगों की उंगलियां भी उठ मेरे ऊपर हमको क्या परवाह है उंगली उठाओ या खुद उड़ जाओ पूरे हम तो वही करेंगे ना जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के मेहंदी की तरफ से सरकार गौरशाही की तरफ से तालीम आएगी वो तालीम जो गौरशाही की तरफ से आती है वो तो कहती है कि गुनागारों से नफरत मत करो गुनाहों से नफरत करो आज गुनागार है कल गौहर शाही की नजर हो गई तो इससे बड़ा कोई फकीर और परेजगार नहीं होगा ये नकली शैतान है असली शैतान कौन है जो नमाजे भी पढ़ता है तो रसूलुल्लाह से बोस भी रखता है अपने आप को हुजूर का छोटा भाई समझता है जो नमाजे भी पढ़ता है और अहले बैत से बुक्स भी रखता है मौला अली को मौला भी नहीं मानता है उससे बड़ा कौन होगा हरामी नस्ल वो जो हमने कुरान पढ़ा है ना उसकी एक आयत में बाकायदा अल्लाह ने यह फरमाया है कि जो किसी मोमिन की गुस्ताखी करे उसकी नसल में फर्क होता है नसल का फर्क जो किसी मोमिन की गुस्ताखी करे जो वली और नबी की गुस्ताखी करने वाला तो इबलीस है जैसे आम आदमी को हसद होता है ना कि ये जी इसके पास इतना पैसा है इतनी गाड़ियां है दौलत की वजह से हसद होता है लेकिन जो अजली मुनाफिक और काफिर रू होती है उसको गुरु की वली की अजमत देख के आसाद होता है कि लो, देखो लोग इसके हाथ चूम रहे हैं इसके आगे झुक रहे हैं मेरे आगे कोई क्यों नहीं झुकता तू है कौन जो तेरे आगे कोई झुकेगा तू कौन है वो तो अल्लाह का महबूब है उसके दिल में तो अल्लाह का जलवा बसा हुआ है और मखलूक को उसने नहीं अल्लाह ने अपने बंदे के आगे झुकाया हुआ है वो तू कौन है उसने खुद थोड़ी झुकाया है अपने आप अपने लोगों को अपने साथ शुरू शुरू में लोग खड़े हो गए जब मैं आता तो लोग खड़े हो जाते हाथ भी चूमने लगे मैं बड़ा परेशान होता तो एक दिन सरकार ने मुझे कहा ये बिला वजह की परेशानी क्यों पाली है तूने वो ये तुझे थोड़ी चूमते हैं तुझे अगर चूमते तो कराची में चूमते ना <laughs> ये तुझे नहीं जो तेरे अंदर नस्बत बैठी है हमारी ये उसके अदब में अब झुकते हैं तेरे लिए नहीं झुकते तो जाहिर है वो बंदे के अंदर जो है उसकी तरफ रुख करता है ना नूर और ये जो मुर्शिद होता है ना दुनिया में दो काबे होते हैं दो कुतुबनुमा हैं एक वो मिट्टी गारे का काबा बना हुआ है वो रुख करता है बैतुल मामूर की तरफ एक मुर्शिद होता है उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो तो सीधी अल्लाह तक जाती है काबे की तरफ करके पढ़ो तो कोई पता नहीं है मुर्शिद की तरफ रुक करके पढ़ा ना तो उसकी गारंटी गारंटी है। वो तो बल्कि पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत है उसको देख लो वो हो गई आँगे। आँगे। place to connect with God.